हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, ये हाफ स्वेटर का बैक पार्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। आज मैं आपको इसका गला और प्लस बाजू मैंने बताया ही है, सेम इसी तरह से इसमें भी हम घटाएंगे। और इसका गला किस तरीके से मैं घटाऊंगी ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, इसमें मेरे टोटल 108 फंदे हैं, क्योंकि दो फंदे मेरे फ्रंट में कम है बैक पार्ट से। इसमें मैंने वी गला घटाने के लिए एक एक्स्ट्रा फंदा नहीं रखा है, और मैं वी गले के लिए जो बीच में एक चोटी बनती है वो इसमें नहीं बनाऊंगी। तो ये गला हम किस तरह से घटाएंगे और इसको कैसे फिर ऊपर बनाएंगे ये मैं आपको पूरा बना के बताऊंगी। तो ये मेरी अभी उल्टी सिलाई है। सीधी सिलाई में फिर उल्टी सिलाई पूरी क्लियर करके और सीधी सिलाई इतनी हाफ करने के बाद हाफ हाफ से हम पहले गला घटाएंगे, क्योंकि अभी इसकी लंबाई देखिए कंप्लीट नहीं हुई है। फ्रंट पार्ट जो है हमारा, बाजू घटाने से अभी लगभग 10 सिलाई आप मानिए या 2 अंगुल मानिए, तो ये हमारा अभी फ्रंट पार्ट ये देखिए छोटा है। और मैं 2 अंगुल नीचे यानी कि लगभग 10 सिलाई नीचे से ही फ्रंट का गला घटाती हूँ। वी गला, गोल गला हम बाजू घटाने के 4 अंगुल ऊपर से घटाते हैं। आपके अपने चॉइस के ऊपर है कि आप कितना डीप या कितना हाई गला रखती है। तो ये देखिए, ये लगभग 10 सिलाई मेरा कम है, या 8 सिलाई आप मान लीजिए मेरा ये कम है। तो इतना मैं पहले बिनने के बाद फिर बाजू घटाऊंगी, लेकिन इतने पर ही वी गला मैं घटाना स्टार्ट कर दूंगी। तो ये लगभग 10 सिलाई मेरी जो इसकी लंबाई कम है, आप 8 सिलाई भी कम रख सकती हैं, या अगर आपको बहुत डीप वी नेक नहीं पसंद है तो जहां से हम ये बाजू की घटाई स्टार्ट करते हैं वहां से भी वी नेक घटाया जा सकता है। लेकिन मैं इतना नीचे से, जैसे कि मैंने आपको नाप के दिखाया, मैं इतना नीचे से वी गला घटाती हूँ। लगभग ये अपनी उंगली से देखिए तो ये 2 अंगुल के करीब ये आता है। तो अब देखिए, ये हमारा, ये मैं बैक पार्ट इतना मैंने छोड़ा है, तो ये बैक पार्ट बिन के फिर फ्रंट में इतना हाफ आने के बाद हम वी गला घटाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये हाफ हाफ मैंने कर लिया है। 54-54 फंदे दोनों साइड है, यानी 54-54 फंदे मेरे दोनों साइड हैं। अब आप यहाँ पे चाहें तो दोनों पल्ले अलग अलग या एक साथ भी बना सकती हैं। मैं नॉर्मली एक साथ ही बनाती हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए ये दोनों चीजें मैं अलग अलग, दोनों साइड जो वी गला हम घटाएंगे मैं बनाऊंगी। तो इसके लिए देखिए, यहां तक हमने बिन लिया। अब ये जो डिजाइन का हाफ हाफ था, जैसा कि मैंने कहा कि मैं इसमें बीच में ये चोटी वाली डिजाइन नहीं डालूंगी, तो इसके लिए ये जो डिजाइन है, अब यहाँ पे डिजाइन नहीं पड़ेगा। इन दो फंदों को मैं एक संग इस तरह से घटा दूंगी और बाकी का इसी तरह से बिनती जाऊंगी लास्ट तक। फिर उल्टी सिलाई यहां तक हम आएंगे। तो ये देखिए, यहां तक ये बाकी के फंदे जो हैं इसको हम नहीं बिनेंगे, और यहां से जो बाकी के 54 फंदे हैं उसमें से एक फंदा मैंने घटा दिया। अब टोटल 53 फंदे हैं, तो ये पूरा सीधा और फिर उल्टी सिलाई यहां तक आने के बाद फिर इसके आगे की बिनाई हम करेंगे। ये देखिए, ये उल्टी सिलाई यहां तक मैंने बना लिया। इसके पहले तक यहां से मैंने गला घटाया है। अगर आप साथ में बनाना चाहती हैं तो इस तरफ का भी देखिए, ये दोनों फंदा एक संग ऐसे लेंगे हम, दूसरा ऊन इसमें लगा के इस तरह से देखिए, दूसरा ऊन यहां से ऐसे लगा के साथ के साथ आप इधर का भी बिन सकती हैं। इस तरह से बिनने से आपको एक आसानी होगी कि आपको याद रहेगा जहां आपने ये सीधी साइड इधर फंदे घटाए, वहीं उल्टे साइड आपको यहां फंदे घटाने हैं। वी में हम बीच बीच में फंदे घटाते जाते हैं, तो एक बार हमने फंदा घटाया, एक बार हम नहीं घटाएंगे। तो आपको जैसे इजी लगे, अगर आप अलग अलग बनाना चाहती हैं तो आप अलग अलग भी बना सकती हैं। एक संग बनाने में टाइम थोड़ा जरूर लगता है, लेकिन दोनों साइड का ये जो हमारा पार्ट है एक संग तैयार हो जाता है। तो अभी मैं आपको दोनों अलग अलग बता रही हूँ। तो अब इस साइड के जो फंदे हैं, आप या तो इसी सिलाई पे रहने दीजिए, यहाँ दूसरी सिलाई लगा लीजिए, या इस तरह से जो पिन आती है हम इस पिन पे इसको उतार लेंगे। तो इस साइड के सारे फंदे हम इस पे ऐसे उतार के पिन बंद कर देंगे, तो ये सारे फंदे हमारे गिरेंगे नहीं और दूसरी साइड हमको बिनने में दिक्कत भी नहीं आएगी। तो सारे फंदे इस तरह से पहले मैं उतार लूं।
ये देखिए सारे फंदे इस तरह से उतार के इस पिन को ऐसे हम बंद कर देंगे, तो इस ये साइड हमारा एक तरफ रहेगा और ये सलाई हमारी फ्री रहेगी, इससे हमको बिनने में दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें क्योंकि वही मैंने बताया कि मैं वी नेक के लिए यहाँ पे फंदे नहीं रख रही हूँ, और अगर यहाँ पे ये फंदे रहता तो वो मैं अलग से एक सेफ्टी पिन पे रख लेती। तो अब देखिए इसके पहले हमने यहाँ पे फंदे घटाए थे और अब यहाँ मैं फंदे नहीं घटाऊंगी, तो पहला फंदा उतार के अपनी डिजाइन हम कंटिन्यू रखेंगे। तो बाकी का ये फंदा इसी तरह से देखिए, ये तीन ये डिजाइन मेरे चैनल पे है, एक बार मैं फिर से इस तरह से आपको बता दे रही हूँ। ये देखिए पहला फंदा उतार के दूसरा बिनेंगे, फिर ये फंदा ऊपर से ऐसे लपेट के, और ये पहला वाला जो फंदा उतारा है इसके ऊपर से देखिए इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। फिर ऊन आगे करके मैंने ये तीन तीन फंदे के बीच में गैपिंग रखी है। ये देखिए पहला फंदा उतार के दूसरा फंदा सीधा बिन लेंगे, फिर इस ऊन को सिलाई पर ऐसे चढ़ा देंगे और ये जो फंदा हमने उतारा था इसके ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। फिर ये इसी तरह से ये टोटल डिजाइन है। तो अब ये सीधी सिलाई और फिर उल्टी सिलाई ऐसे ही नॉर्मली हम बिन लेंगे। ये हम 8 सिलाई बिनेंगे तब तक जब तक कि हमारे बाजू के घटाने की लंबाई कंप्लीट ना हो जाए। तो अभी देखिए सीधे सीधे हम इसको बिनते जा रहे हैं, यहाँ भी अभी बाजू घटेगा। तो ये अभी एक सिलाई मैंने बिन लिया है, सॉरी दो सिलाई, ये हमारी तीसरी सिलाई है। तो टोटल 8 सिलाई होने के बाद फिर मैं यहाँ पे बाजू भी घटाऊंगी। और ये देखिए एक बार हमने घटाया है, इस बार हमने यहाँ पे फंदा नहीं घटाया है वी नेक के लिए। अगर आपके फंदे ज्यादा होते हैं तो आप यहाँ पे लगातार 2 या 3 बार फंदे घटा सकती हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे मेरे फंदे बहुत ज्यादा नहीं है, 108 फंदे हैं, मुझे शोल्डर पे भी 28 फंदे रखने हैं और 10 फंदे मेरे बाजू के लिए घटेंगे। तो मैं यहाँ पे लगातार फंदे स्टार्टिंग में नहीं घटा रही हूँ। तो ये एक बार घटाया है, एक बार नहीं, इसी तरह से हम इसको घटाते जाएंगे जब तक कि हमारे 28 फंदे शोल्डर पे नहीं बच जाएंगे बाजू घटाने के बाद। तो इतना पहले बिनने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये उल्टी सिलाई भी इस तरह से कंप्लीट हो गई। और अब इस बार हम यहाँ पे गले के लिए फंदा घटाएंगे। तो आपको याद रखने के लिए देखिए ये जहां हमने ये फंदा घटाया, इसके बाद आप देखेंगे तो ये दो केबल ऐसे बन जाएगी, फिर आप इसको ये दो फंदे एक संग यहाँ पे घटा दीजिए, या आप चाहें तो पहला फंदा उतारने के बाद दूसरी तरफ भी आप घटा सकती हैं, लेकिन ये गले का फंदा हम किनारे से ही घटाते हैं क्योंकि यहाँ से फिर हमें गले का फंदा उठाना होता है। तो अब ये देखिए एक बार हमने घटाया, एक बार नहीं, अब इस बार फिर मैं ये फंदा घटा रही हूँ, फिर अगली बार नहीं घटाऊंगी। तो इस तरह से करके टोटल 8 सिलाई हमारी कम्प्लीट हो जाएगी। तो इसके बाद फिर हम बाजू की घटाई करेंगे। तो ये देखिए ये हमारी 5वीं सिलाई है, फिर 6, 7, 8 कंप्लीट करने के बाद फिर हम बाजू की घटाई करेंगे। ये देखिए यहाँ से 8 सिलाई मैंने बना लिया है। अब इसको अगर आप लंबाई देखिए यहाँ से, आपको वैसे ना समझ में आए तो आप अपने स्वेटर का बैक पार्ट सबसे पहले बनाना चाहिए, जिससे आपको अपने स्वेटर की लंबाई का पता चलता है। और ये डिजाइन जो है इस दोनों तरफ से जो उल्टा उल्टा बीना जाता है, इसकी वजह से स्वेटर की लंबाई थोड़ी सी कम होती है। तो अगर आप इस तरह का कोई भी डिजाइन बनाती हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा बिनना पड़ेगा। अब इस तरह से देखिए, अभी अगर हम देखें तो हमारी ये लंबाई ऐसे थोड़ी सी बाकी है, तो ये सिलाई करने पे कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ये फ्रंट पार्ट मैंने बैक पार्ट से ज्यादा बनाया है अगर इसको इस तरह से गिना जाए तो। और आप लंबाई इस तरह से देखिए तो ये हमारी स्वेटर की लंबाई लगभग हो गई है। अब यहाँ से ये सीधी सिलाई बिनते हुए हम आएंगे और उल्टी तरफ से इस साइड है ये बाजू की घटाई कर दूंगी। तो ये और इस साइड से गला हम एक बार घटाएंगे, एक बार नहीं, एक सीधी सिलाई में घटाएंगे, एक सीधी सिलाई में नहीं। तो 4 सिलाई पे ये गला हम तब तक घटाते जाएंगे जब तक 28 फंदे न रह जाएं। और 28 फंदे होने तक अगर आपके ये बाजू की लंबाई कंप्लीट नहीं होती है तो ऊपर की सारी बिनाई हम 28 फंदों से ही करेंगे।
ये देखिए इस तरह से ये सीधा बिनने के बाद फिर यहां से हम बाजू की घटाई करेंगे। ये देखिए सीधी सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो आठ सिलाई करने के बाद हम इस तरफ सीधी तरफ से घटाएंगे और इसके बाद इसमें हम उल्टे तरफ से घटाएंगे। तो इस तरह से देखिए ये पूरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। तो इसमें हमने बैक पार्ट में सबसे पहले चार तीन दो एक करके फंदे घटाए थे, तो सबसे पहले हम चार फंदे घटाएंगे उल्टे तरफ से। देखिए एक दो तीन और ये चार, चार फंदे घट गए और बाकी का पूरा हम इसी तरह से बिन लेंगे। और इसी तरह से तीन दो एक करके फंदे घटाएंगे और गले के फंदे भी इसी तरह से चार चार सिलाई पे घटाते हुए लंबाई अपनी कंप्लीट कर लेंगे। 28 फंदे मैंने बैक में शोल्डर पे रखे हैं, तो फ्रंट में भी 28 फंदे ही हमारे रहेंगे। इसी तरीके से इसको हम पूरा बना लेंगे जब तक कि इसकी लंबाई ना कंप्लीट हो जाए। तो ये देखिए अगली बार तीन फंदा फिर दो फिर एक ऐसे करके ये घटाने के बाद इधर फिर फंदा नहीं घटेगा, सीधा बनेगा और गले की तरफ से हम एक एक फंदे चौथी चौथी सिलाई में घटाते रहेंगे। ये देखिए ये मेरा बाजू इतना घटने के बाद यहाँ तक ये गला यहाँ से देखिए यहाँ तक घटने तक आप यहाँ मेरे टोटल 28 फंदे बचे हैं, सारे फंदे यहाँ पे घट चुके हैं। तो अब जो बाकी की ये लंबाई जो मुझे कवर करनी है ये देखिए इस तरह से, तो इसको मैं अब ये 28 फंदे में मेरी जितनी डिजाइन और जितना ये बचा है इसी को मैं बिनते हुए इतनी लंबाई करके फिर इसको मैं जोड़ूंगी। तो ये बहुत इजी है, बस आपको ये ध्यान रखना कि यहाँ से एक बार आपको घटाना है, एक बार नहीं, ऐसे करते करते आपको अगर आपके फंदे ज्यादा हैं और ऊपर तक आ जाते हैं लास्ट तक आ जाते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है फंदे कम हो गए। अब ये 28 फंदे जितने पीछे के शोल्डर पे मेरे हैं उतने मेरे पास हैं, इतना ही मुझे चाहिए। तो अब ये लंबाई मेरी अभी बाकी है तो सारी लंबाई मैं इसी 28 फंदों से कंप्लीट करके फिर यहाँ शोल्डर जोड़ूंगी। ये देखिए अभी ये इस तरह से आप ये रख लीजिए, या आप जैसा कि मैं बताती हूँ हमेशा ये चीज काउंट करते हुए जो ये काउंट करना है करते हुए, या आप अपने इंची टेप से नाप लीजिए कि आप कितनी लंबाई कितनी थी उस हिसाब से। और सबसे अच्छा तरीका है कि बस आप इसके ऊपर ऐसे आराम से देखिए बैक पार्ट ये मैंने रखा है और इसके ऊपर इसको अच्छे से इस तरह से आप बिल्कुल आराम से इसको खींचिए नहीं, कुछ फैलाइए नहीं और रख के आप देख लीजिए। देखिए ये लंबाई आपकी कंप्लीट अभी होनी बाकी है, तो ये इतनी लंबाई जो है मैं इन 28 फंदों से पूरा कर लूंगी। ये देखिए ये लंबाई कंप्लीट हो गई है टोटल, यहां से भी देखिए ये बहुत आराम से इस तरह से इसके बराबर आ गया है। अगर आपको लगता है कि आपकी डिजाइन की वजह से इसकी लंबाई कम आ रही है तो आप चार छह सिलाई ज्यादा भी बना सकती हैं। मैंने इसमें चार सिलाई एक्स्ट्रा बीना है क्योंकि ये उल्टे उल्टे की वजह से इसकी लंबाई जो है वो कम हो जाती है, लंबाई पे फर्क पड़ता है। तो अब देखिए इस तरीके से अच्छे से ये मैंने इसके ऊपर रखा हुआ है, तो ये देखिए बिल्कुल बराबर ये हो गया है। तो अब हम इसका शोल्डर जोड़ देंगे। तो ये भी पल्ला देखिए नीचे की तरफ उल्टा है, इसका भी नीचे की तरफ उल्टा है। तो जब हम अब शोल्डर जोड़ेंगे तो इसको इस तरफ ऐसे ऐसे जोड़ेंगे, दोनों सीधा पार्ट जो है आमने सामने होना चाहिए। देखिए इसका बैक पार्ट और इसका फ्रंट पार्ट, ये सीधा है ये सीधा है, एक के ऊपर एक इस तरह से हम रख देंगे। और इस तरह से मैं पूरा बिनने के बाद नहीं करती हूँ, मैं लास्ट सिलाई में ही शोल्डर एक संग बिनते हुए जोड़ देती हूँ, इसके बाद मैं जोड़ूंगी अगली सिलाई में। तो इसको देखिए एक सिलाई पे उतारना ही होता है फंदा बंद करने के लिए। तो सबसे पहले ये पीछे का फंदा उतार लेंगे, पहला फंदा आगे वाले का भी उतार लेंगे। पीछे का फंदा हर बार हम उतारेंगे और आगे वाला फंदा हम उल्टा बिनते जाएंगे जैसे नॉर्मली हम उल्टा फंदा बिनते हैं इस तरह से। ये देखिए पीछे वाला फंदा उतारेंगे, आगे वाला फंदा इसमें हमने डिजाइन बनाई है सीधी साइड से, तो जैसे हम उल्टा बिनते हैं वैसे ही, क्योंकि उल्टी सिलाई इसमें उल्टी उल्टी है, डिजाइन अगर रहती आपको दिक्कत होती तो आप उल्टा सिलाई बिनने के बाद एक बार लास्ट में उतार सकती हैं, लेकिन मैं ये बिनते बिनते ही इस तरह से उतार लेती हूँ ताकि दो बार ये काम मुझे न करना पड़े। देखिए इस तरह से पिछले वाला का फंदा उतारेंगे और आगे वाला ये जो है इसको उल्टा बिन लेंगे ऐसे। तो इस तरह से
आराम से, क्योंकि जब पीछे का पल्ला हम लास्ट सिलाई बिनते हैं तो इसकी सिलाई जो है उसका पॉइंट इसी तरफ को रहता है, और जब आगे वाला हम बीनेंगे लास्ट, अगर आप उल्टा बीनेंगे तो इसका पॉइंट इस तरफ आ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं इसी तरह से इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये बैक का फंदा उतार के फ्रंट का ये उल्टा ऐसे बिन लेंगे इस तरह से। पूरा इसी तरह से बस आप याद रखिएगा कि एक बार पीछे वाली सिलाई से करना है और एक बार आगे वाली सिलाई से। पीछे वाली सिलाई का फंदा हमको ऐसे उतार लेना है, आगे वाली सिलाई का फंदा हमको उल्टा उल्टा बिनना है। दो कलर की डिजाइन है तब आप लास्ट सिलाई में अपना डिजाइन कंप्लीट करने के बाद ही इसको उतारिएगा, या अगर आप अच्छे से उल्टे साइड से डिजाइन कंप्लीट कर सकती हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं सभी में चाहे एक रंग हो चाहे दो रंग हो मैं इसी तरह से उतार लेती हूँ, तो लास्ट सिलाई मुझे करने में दिक्कत नहीं आती है। इस तरह से देखिए अब ये दोनों सिलाई के फंदे एक सिलाई पे आ गए हैं। तो अब मैं ये देखिए इस तरह से अब इसको पलट लेंगे। ये हमारा बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। तो अब बैक साइड से इधर की तरफ आप चाहे सीधा या उल्टा, मैं उल्टा करती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, अब आप अगर ये सिलाई पे देखिए तो ये देखिए ये दो दो फंदे का इस तरह से देखिए तो ये ग्रुप बन जाता है, जो पीछे वाली सिलाई और आगे वाली सिलाई से हम फंदे उतारते हैं। तो अब दो फंदा सबसे पहले हम इस तरह से लेंगे, ये देखिए दो फंदा लेके उल्टा बिन देंगे, ये वाला फंदा इस पर चढ़ा के, और अगला जो दो फंदे का ग्रुप है ये ऐसे इसको हम कर लेते हैं। तीन फंदा हो गया, अब इसको चढ़ाएंगे, ये दो फंदा ये तीन फंदा हो गया, इनको हम ऐसे उतार देंगे इसी तरह से पूरा। देखिए इस तरह से हम इसको उतार देंगे, नॉर्मल उतारिएगा जिस तरह से आप बिनाई करती हैं। इसको टाइट या लूज मत करिएगा, नहीं तो शोल्डर की फिनिशिंग अच्छे से नहीं आएगी। पहला फंदा इस पर क्योंकि हल्का सा लूज हो जाता है, इसको आप खींच लीजिए थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, और इस तरह से हम इसको जो टोटल 28 फंदे एक तरफ के, 28 फंदे एक तरफ के दोनों हैं, उनको हम दो दो करके इस तरह से बंद कर देंगे। दो सिलाई पर से और एक जो हम फंदा उतार रहे हैं, टोटल तीन फंदे, ये देखिए ये एक फंदा और दो फंदा इस पर का, इसको हम इसी तरीके से बंद कर देंगे। ये शोल्डर बनाना जोड़ना भी बहुत इजी है स्वेटर में, बस आपको लंबाई और जिसका आप बना रही हैं उसके हिसाब से फंदे का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी धीरे धीरे जो नहीं भी बीनते हैं वो भी बनाते बनाते उनको भी आइडिया आ जाता है कि हमें कितना रखना है। मेरे फंदे कम थे, 110 फंदे जो मैं रखती हूँ, फ्रंट में मेरे फंदे और भी कम थे। नॉर्मली डिजाइन के लिए अगर आपकी डिजाइन ज़्यादा फैलती नहीं है, क्योंकि ये उल्टा उल्टा है तो इसमें ये इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, लेकिन कभी कभी कोई कोई डिजाइन ऐसी होती है जिससे चौड़ाई जो उसकी है वो कम हो जाती है, तो आपको फंदे और ज़्यादा बढ़ा के रखने पड़ते हैं। अगर ये उल्टी उल्टी बिनाई न रहती, कोई और डिजाइन रहता, तो मैं इसमें कम से कम 120 फंदे रखती फ्रंट पार्ट के लिए। तो अब ये देखिए इस तरह से ये हो गया। अब इसमें से हम अपना ये वाला ऊन निकाल के ये और इसको अच्छे से नॉट लगा देंगे। और इसको भी इस तरह से कट कर देंगे। तो अब देखिए जब इसका हम ये देखिए शोल्डर देखेंगे तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा अच्छे से मिल गया, बराबर आ गया। आप इसको चाहें तो सुई से, अगर आपको आता है तो आप सुई से भी जोड़ सकती हैं। तो ये देखिए इस तरीके से शोल्डर जोड़ गया। अब दूसरे साइड के लिए भी हम सेम यही करेंगे। पहले ये सारे फंदे
मैं सलाई पे उतार लेती हूँ। ये देखिए ये फंदे मैंने उतार सलाई पे चढ़ा लिए हैं। सीधा बिन के हमने ये फंदा यहाँ पे छोड़ा था, बाकी की बिनाई हमने इधर से कर ली थी, तो अब हम इसमें उल्टा बिनेंगे। उल्टा बिनते समय देखिए अब हम यहाँ पे ऊन जोड़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो दो फंदे हमको यहाँ घटाने हैं, देखिए ये डिजाइन वाले फंदे हैं, तो इन्हीं दो फंदों को इस तरह से उल्टा हम बिनते हुए और दूसरा ऊन ऐसे आप लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ ऊन है नहीं, और बाकी की बिनाई हम सेम ऐसे ही करेंगे और इसको यहाँ पे नॉट लगा देंगे। तो सीधी तरफ से हमने घटाया था, अब यहाँ उल्टी सिलाई में उल्टी तरफ से हमने घटा लिया है। अगली उल्टी सिलाई में हम नहीं घटाएंगे, फिर उसकी अगली उल्टी सिलाई में घटाएंगे उसी तरह से जैसे हमने दूसरा पार्ट तैयार किया है। तो अब ये देखिए ऊन भी हम इस तरह से ऐसे फंसाते जाएंगे, तो ये नॉट लगाने के बाद ऊन हमारा अच्छे से इधर फंस भी जाएगा और अलग से दिखेगा भी नहीं। तो ये देखिए पहली सिलाई हो चुकी थी, ये हमारी दूसरी सिलाई है। इसी तरह छह सिलाई और बिनने के बाद इस तरफ के भी बाजू की घटाई हम करेंगे जैसे हमने उस पार्ट में किया था। तो ये देखिए पहले ये दूसरी सिलाई हमारी है, आठ सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसकी भी बाजू घटाएंगे। इस बार उल्टे सिलाई में मैंने फंदा यहाँ पे गले का घटाया है, अगले उल्टे सिलाई में नहीं घटाऊंगी, फिर उसके बाद अगली सिलाई में घटाऊंगी। तो अगर आपको ये याद ना रहे कि आपने फंदे घटाए हैं कि नहीं, तो ये देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगी तो जहां ये फंदा घटता है वहां ये नॉट जैसा बन जाता है। उसके बाद अगर आप पहला फंदा उतार रही हैं तो देखिए ये दो केबल जैसा दिखेगा, फिर ये नॉट, फिर ये दो केबल एक नॉट, दो केबल एक नॉट। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने एक बार घटाया है एक बार नहीं, ये दो केबल बीच में आना चाहिए अगर आप चार सिलाई में फंदे घटा रही है। तो आप ध्यान से देखिए, देखिए ये एक नॉट दिखेगा, बीच में दो केबल, फिर एक नॉट, इसी तरह उल्टे साइड भी आएगा। तो ये दूसरी सिलाई कंप्लीट करने के बाद मैं टोटल आठ सिलाई बनाने के बाद फिर बाजू की घटाई करूंगी। ये देखिए ये मेरी आठ सिलाई कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मैंने घटाया था, यहाँ नहीं, फिर यहाँ घटा है, यहाँ नहीं, और अब यहाँ पे देखिए ये बाजू यहाँ से घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए भी इसको सीधी तरफ से हम घटाएंगे। तो ये देखिए एक दो तीन और ये चार, उसके बाद की अपनी ये जो डिजाइन है इसको कंटिन्यू करेंगे और इसी तरह हम घटाते हुए टोटल अपनी बिनाई कंप्लीट कर लेंगे। इधर चार तीन दो एक घटेगा और गले के साइड से हर चौथी सिलाई पे हम एक फंदा घटाते जाएंगे, तो हमारा वी गला कंप्लीट हो जाएगा। एक साइड का मैंने आपको पूरा प्रॉपर बता दिया है कि कैसे कैसे घटाएंगे, और दूसरे साइड भी उसी तरह से सेम बनेगा। बस एक तरफ हम सीधी तरफ से घटाते हैं और एक तरफ उल्टी तरफ से। तो ये देखिए ये पूरी सिलाई की डिजाइन मेरे चैनल पे है, आप इसको देख सकती हैं। सीधी तरफ से ये डिजाइन पड़ती है और उल्टी साइड से टोटल उल्टा उल्टा हम इसको बिनते हैं। तो ये आप अपना जितना भी फंदा जिस हिसाब से रखती हैं उस हिसाब से इसको अपना एडजस्ट कर सकती हैं। मैंने ये चार फंदों, दो फंदों की डिजाइन को दो बार रिपीट किया है और बीच में तीन फंदे की गैपिंग रखी है। तो ये देखिए इस तरीके से ये मेरी डिजाइन है, पहला फंदा उतार के, दूसरा बीन के, ऊन उसके ऊपर से चढ़ा के, और जो फंदा हमने उतारा है उसको हम दोनों फंदों के ऊपर से गिरा देते हैं। तो इसी तरह से हम अपना ये दूसरे साइड का शोल्डर भी बना लेंगे। देखिए दो दो फंदे की डिजाइन दो बार रिपीट हुई है और इसके बाद ये कैसे फिर एक बार ये जैसे जैसे फंदा घटता जाएगा ये डिजाइन भी कम होती जाएगी। लास्ट फंदा हर बार हम सीधा बिनते हैं क्योंकि उल्टा साइड हमको उल्टा बिनना रहता है। तो अब देखिए अगर इसको हम ये इस साइड का हमने ये शोल्डर जोड़ लिया है और दूसरी साइड का भी इस तरह से बनाने के बाद हम इसको ये देखिए ये सीधी साइड है ऐसे। जब ये वाला भी साइड हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इसको भी जिस तरह से हमने इस साइड का शोल्डर जोड़ा है देखिए
ये इस साइड का हमने जोड़ लिया, ये उल्टा साइड अंदर है, इधर का उल्टा साइड अंदर है। और अब इस साइड का देखिए, यहाँ पे हमने बाजू ये घटा दिया ऐसे। अब एक साइड इसको घटाते हुए एक एक फंदा घटा, एक बार घटाएंगे एक बार नहीं घटाएंगे, करते हुए जब तक हमारे 28 फंदे ना बच जाए, फिर उन 28 फंदों को हम टोटल बिनते हुए इधर का भी शोल्डर इसी तरह से जोड़ देंगे। और जब हम शोल्डर जोड़ेंगे तो ये जो पल्ले हमारे हैं ये देखिए दोनों बैक साइड एक साथ में बाहर की तरफ होने चाहिए और फ्रंट पार्ट ये अंदर की तरफ, तो ऐसे करके ये भी शोल्डर हम जोड़ लेंगे। ये देखिए इस साइड का भी टोटल ये कंप्लीट हो गया है इस तरीके से। ये देखिए पूरी लंबाई इसकी हो गई है। अब इसको भी हम जोड़ लेंगे। अब ये देखिए दोनों साइड इसको ऐसे पलट देंगे, ये इस तरह से आराम से इसको ध्यान से देख के पलटिएगा कि बीच में ये देखिए ऐसे पल्ला हमारा बराबर रहना चाहिए दोनों, ऐसा ना हो कि ये यहां से पलट जाए तो फिर ये उतारने के बाद गला, कभी कभी जब हम पलटते हैं तो यहां से अगर ये ऐसे पलट गया तो फिर आपका ये दिक्कत करेगा। तो ये देखिए इस तरीके से, अब जैसे मैंने उस साइड में किया था ये उल्टी सिलाई मेरी बाकी है। और ये देखिए इसका सिलाई भी जैसा मैंने कहा कि लास्ट हम करते हैं तो इसका पॉइंट जो है इस साइड रहता है, और इसका अगर हम लास्ट कर देंगे उल्टा सिलाई तो पॉइंट इसका इस तरफ हो जाएगा। तो इसीलिए मैं उल्टी सिलाई पूरी इसी तरीके से बिन लेती हूँ कि दोनों हमें उतारने में भी दिक्कत ना हो और ये हमारा दोनों एक साथ काम हो जाए। तो अब इसको भी हम उतार लेंगे। तो ये देखिए इसमें भी सेम चीज करेंगे, सबसे पहले पीछे वाला फंदा ऐसे उतार के और आगे वाला पहला फंदा उतार के, क्योंकि पहला फंदा हम उतारते हैं, और पीछे वाला फंदा उतारने के बाद ये आगे वाले को हम इस तरह से उल्टा उल्टा बिन लेंगे। तो इसी तरीके से इसको भी टोटल उतार के जिस तरीके से हमने पहला शोल्डर ज्वाइंट किया था उसी तरह से इसको भी हम जोड़ लेंगे। देखिए ये देखिए ये सारे फंदे मैंने उतार लिए हैं। अब इसको भी देखिए यही दो दो का सेट बन जाता है। अब अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे इस तरह से ये ऊन है, और ये भी हम दो दो फंदे, पहली बार सबसे पहले सिर्फ दो फंदा करेंगे, फिर ये वाला फंदा इस पर चढ़ा के ये तीन तीन फंदे हम इसको करके टोटल सारे फंदे बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये टोटल बंद हो गया। और अब इसको भी इस तरह से बड़ा सा लूप करके इसमें से हम गोला निकाल लेंगे। तो ये देखिए से, और इन दोनों को नॉट लगा देंगे। अब इस साइड का जो हमने शोल्डर जोड़ा है, नॉर्मली जो हम वी गला बनाते हैं तो उसके लिए मैं ये ऊन नहीं कट करती हूँ, क्योंकि देखिए इस तरह से जब नॉर्मली हम वी गला बनाते हैं यहाँ पे मैं थोड़ा कॉलर टाइप का ओवरलैप करके ये गला बनाऊंगी। इसके लिए मैं इस यहाँ से फंदे उठाना स्टार्ट करूंगी, और अगर यहाँ पे फंदे नहीं हैं, एक फंदा यहाँ से नहीं छोड़ा गया, फिर भी हम यहाँ पे चोटी बना सकते हैं जो वी गले के लिए बनता है, लेकिन मैं यहाँ पे ओवरलैप करूंगी गला, तो इसके लिए मैं फंदे यहां से उठाना स्टार्ट करूंगी। और नहीं तो जो हम नॉर्मली वी गला बनाते हैं उसके देखिए ये ऊन हमारा यहाँ पे नॉट लगा है, ये छूटा हुआ है, इसी से हम सारे फंदे उठा के पूरा यहां से यहां और ये और यहां तक इसी से हम बना लेते हैं, फिर हमको अलग से ऊन नहीं जोड़ना पड़ता। तो नॉर्मली उस टाइप का जब मैं बनाती हूँ तो ये ऊन ऐसे ही रहने देती हूँ। ये देखिए ये वी गला इस तरीके से हमारा बन चुका है। ये पीछे में हल्का सा ये जो डीप है और आगे ये वी, ये देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन जब हम इसको फंदा उठाने के बाद बनाएंगे तो ये अच्छे से गला इसका बन जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये इतना चीज जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लाइक अगर पसंद आए तो जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका जो मैं ओवरलैप गला बनाऊंगी वो बताऊंगी। साइड का ये मैं आपको बस एक डायरेक्शन दे दूंगी, मैं इसको फंदा उठा के बता दूंगी कि मैंने इसका कैसे बनाया है। ये जो इतना लंबा देखिए ये दिख रहा है, इसमें मैं लगभग 75 फंदे एक साइड उठाती हूँ। तो ये जितने फंदे यहां से यहां तक घटे 10 फंदे ये तो मैं उठाऊंगी ही, और इतनी दूर का मतलब 65 फंदे यहां से, तो टोटल यहां से लेके ये शोल्डर इस साइड तक मैं, ये जो टोटल शोल्डर का ये पोर्शन आ रहा है ये यहां से लेके यहां तक मैं 150 फंदे उठाती हूँ, क्योंकि ये जेंट्स का है और ये बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, इसकी लेंथ अच्छे से आनी चाहिए जैसा मैं बनाती हूँ।
वैसे अगर आपको कम फंदे चाहिए तो आप एक एक यहाँ पे कुछ गैपिंग करके कम फंदे भी कर सकती हैं। तो मैं एक मेजरमेंट इस शोल्डर का बता देती हूँ कि मैं इसमें 75 दोनों तरफ उठा के मतलब टोटल 150 फंदे उठाऊंगी, और गले का मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि मैं गला कैसे बनाऊंगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।